आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। आपको बता दें कि असम राइफल्स में बीते दिन राष्ट्रीय एकता यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। असम राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर स्वर्ण सिंह ने मुख्यालय 25 सेक्टर असम राइफल्स में मुख्यालय IGR के तत्वाधान में आयोजित यह यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षाप्रद और मनोरंजक यह यात्रा 9 दिवसीय की है। इस दौरे के दौरान छात्र असम में जोरहाट, गुवाहाटी और काजीरंगा और अंत में पश्चिम बंगाल में कोलकाता जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र के साथ उनके बंधन को मजबूत करना है। लोंगडिंग जिले के दूर दराज के गांव में स्थित विभिन्न सरकारी स्कूल से चुने गए 9 लड़कियों और 11 लड़कों और 3 शिक्षकों सहित कुल 20 मेधावी छात्र 9 दिन के लिए दौरे के दौरान उत्कृष्टता के विभिन्न संस्थानों और पर्यटन आकर्षणों का दौरा करें। The sole aim of this National Integration Q 2023 is to create and make aware of the integrity of the nation, which spells the solidarity, oneness and prosperity of our country, India. I, Ms. Peijing Wangsu of Standard 11, student from Longding District of Arunachal Pradesh, got this golden opportunity to be the part of National Integration Tour 2022-23. The possibility of this National Integration Tour being a life-changing experience has seldom crossed our minds when we embark up on this beautiful journey. फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।